हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ, बेसिकली एक टैबलेट है जो कि यूज़ होती है आपकी डिजीनेस को ठीक करने में। अगर आपको मोशन सिकनेस है या चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग की शिकायत है आपको, या आपके नेक और हेड में पेन हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टैबलेट है स्टेगरॉन 25 mg टैबलेट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस डोसेज में आपको लेना है, क्या बेनिफिट्स रहेंगे इसको टैबलेट के लेने के बाद, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और ये किस किस तरीकों से यूज़ होती है और किस किस प्रॉब्लम में इसका यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेगरॉन के बारे में। तो स्टेगरॉन एक कॉमनली यूज टैबलेट है और काफ़ी फेमस है, काफ़ी डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो मार्केट में अवेलेबल है, ये 168 MRP पे अवेलेबल है। जो और क्वांटिटी आ रही है वो 25 टैबलेट की क्वांटिटी में इसका स्ट्रिप आता है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन ये 1 mg पे अवेलेबल है, नेटमेट्स पे अवेलेबल है। ऑफलाइन ये मोस्टली फार्मास्यूटिकल शॉप पे अवेलेबल रहता है। इसके बहुत सारे सब्सिट्यूट भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्राइस और किस क्वांटिटी में अवेलेबल है और कहाँ का अवेलेबल है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका यूज क्या है और किस किस जगह अगर इसका यूज कर सकते हैं, किस किस प्रॉब्लम में इसका यूज कर सकते हैं। पहली है डिजीनेस। तो अगर आपको थकान लग रही हो या आपको नींद आ रही हो बहुत, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी डिजीनेस को दूर करेगा। मोशन सिकनेस है, बेसिकली इसका मतलब आपका कोई चक्कर आ रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके चक्कर आने बंद हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। आपको अगर वॉमिटिंग की शिकायत है, वॉमिटिंग बार बार आ रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आपकी वॉमिटिंग की शिकायत दूर हो जाएगी, आप ठीक हो जाएगी। ये बेसिकली आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देता है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए है। तो चौथा है, अगर आपके नेक और हेड में पेन हो रहा हो, बैक साइड में, बेसिकली नेक साइड में और हेड के बैक साइड में पेन हो रहा हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें काफी फायदेमंद है। तो ये मैंने आपको इसके यूज बता दिए और बेनिफिट्स बता दिए। बेसिकली इस ये टैबलेट लेने के बाद, स्टेगरॉन लेने के बाद, आपको 6 से 8 घंटे तक इसका असर बना रहेगा। उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है या कुछ दिनों तक ठीक नहीं होती है, तो आप प्लीज फिजिशियन से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, और अगर कोई टेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आप प्लीज उस टेस्ट को करवा के ही आगे की मेडिसिन के लिए सजेशन मांगिए डॉक्टर से। साइड इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत लाइट पावर की टैबलेट है, 25 mg की पावर की टैबलेट है, तो ज्यादा नुकसान नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक अगर यूज करते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट है वेट गेन। अगर लॉन्ग टाइम तक यूज करेंगे, इसको रेगुलर यूज करेंगे, तो वेट गेन होने की शिकायत पाई गई है। दूसरा है इनडाइजेशन की। तो अगर इसका यूज हो रहा है, वो लगातार हो रहा है और इसकी डोसेज ज्यादा हो रही है, तो कई लोगों में इसकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी फेस करी गई है। एसिडिटी की प्रॉब्लम बेसिकली होती है, एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत लोगों में देखी गई है। तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप साथ में कोई भी एसिडिटी या गैस की दवाई ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगी और आपको एसिडिक आपकी बॉडी नहीं रहेगी और वो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कई लोगों में स्टमक पेन की शिकायत भी दर्ज कराई गई है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था तो मुझे पता चला इसमें स्टमक पेन की भी कई लोगों में शिकायत दर्ज कराई गई है। और लास्ट है आपको ड्राई माउथ। ड्राई माउथ बेसिकली बॉडी में अगर एक्सेसिव गर्मी हो जाती है तो आपका ड्राई माउथ हो जाता है, या पानी की कमी होती है तो उस वजह से ड्राई माउथ हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टेगरॉन का यूज कर रहे हैं तो आप एक्सेसिव क्वांटिटी में पानी पीजिए, मतलब जितना पानी पीते हैं उससे कुछ ज्यादा आपको पानी पीना पड़ेगा, ताकि इसके जो साइड इफेक्ट है वो मिनिमम हो जाए और आपका जो इसका असर है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टेगरॉन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, स्टेगरॉन टेबलेट के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।